हेलो सर, वेलकम बैक। आज की सीरीज़ के अंदर हम लोग कीवर्ड रिसर्च को समझेंगे, किस तरीके से आप बेस्ट कीवर्ड रिसर्च कर पाएंगे उसी को देखेंगे। तो इस सीरीज़ के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे सेमरश, जो मार्केट का वन ऑफ द बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल है। तो सेमरश को ओपन करने के बाद, परचेस करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा चीज़ आएगा, नीट एंड क्लीन चीज़ें, एंड कुछ साइट पर मेनूज रहेगा, एंड आपके सामने ऐसा कुछ आएगा। तो हर एक वीडियो के अंदर हम लोग हर एक सेक्शन के रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सेमरश के अंदर आपको बेसिकली चार पांच मेन चीज़ें रहता है। सबसे पहले कंपिटिटिव रिसर्च, देन कीवर्ड रिसर्च, देन लिंक बिल्डिंग, देन ऑन पेज एंड टेक एसईओ यानी टेक्निकल या ऑफ पेज एसईओ, देन लोकल एडवर्टाइजिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ट्रेंड्स, एजेंट सॉल्यूशंस। एंड नीचे ये तीनों चीज़ जो सेमरश का खुद का है, इससे कुछ खास आपका मकसद नहीं होगा, ठीक है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे डोमेन ओवरव्यू। तो प्रोजेक्ट सेक्शन पे आना एंड सिंपली जो भी आपका डोमेन रहेगा उसको आपको डाल देना होगा, एंड देन क्लिक ऑन सर्च, देन आप आ जाएंगे डोमेन ओवरव्यू सेक्शन के अंदर। डोमेन ओवरव्यू आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, एंड सबसे पहले आपको अथॉरिटी स्कोर मिलेगा, मतलब जो भी डोमेन आप डाल रहे हैं इसके अंदर उसका कितना अथॉरिटी है, एंड देन उसका पूरा ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा, देन पेड ट्रैफिक कितना आ रहा है वो भी आएगा, बैकलिंक्स का पूरा नंबर्स इधर पे आएगा, एंड ऊपर पे वर्ल्ड वाइड कितना ट्रैफिक आ रहा है वो आएगा, देन USA, UK, इंडिया, इधर पे आप बाकी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते। उसी के रिगार्डिंग उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कितना ट्रैफिक वगैरह आ रहा है, कितना बैकलिंक्स वगैरह है, वो सारा कुछ डेटा नीचे शो हो जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलरली देख पाओगे सबसे इंपॉर्टेंट इधर पे एक्सपोर्ट टू PDF, जो भी आप देख रहे हो इसका फॉर पर्टिकुलर मे बी कंट्री एंड मे बी वर्ल्ड वाइड, तो सिंपली क्लिक करना होगा एक्सपोर्ट टू PDF। आपके सामने ऐसा कुछ PDF आके PDF ओपन होके आ जाएगा। सेमरश डोमेन ओवरव्यू सर्च इंजिन journal.com वेबसाइट का नाम, देन नीचे आपका जो भी डेट में आप एक्सपोर्ट करो उसका नाम, देन पूरा डेटा एक अच्छा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आ जाएगा, ठीक है। आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो, बाद में जब आपका प्लान एक्सपायर हो जाएगा तो आप इससे एक्सपोर्ट कर सकते हो, देख सकते हो रिसर्च को, ठीक है। थोड़ा सा महंगा टूल है, आपको देखना होगा। देन नीचे आएंगे तो ऑर्गेनिक एंड पेड कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले इधर पे आप देख पाओगे कि वर्ल्ड वाइड कितना ट्रैफिक शेयर ये कर रहा है, 100% ट्रैफिक वर्ल्ड वाइड ले रहा है, एंड ट्रैफिक कितना टोटल है 584 के, कीवर्ड्स कितना है ऑलमोस्ट 4 लाख, ओके। देन USA कितना ट्रैफिक आ रहा है ऑलमोस्ट 34%, इंडिया से ऑन 18%, देन UK से 9.3%, बेसिकली ट्रैफिक का शेयर्स आ रहा है इधर पे, एंड देन ट्रैफिक कितना है उसका नंबर, देन कीवर्ड्स का नंबर आ रहा है। क्लिक करोगे पेड के ऊपर तो पेड का भी आ जाएगा, लेकिन इस वेबसाइट के अंदर कोई सभी पेड ट्रैफिक नहीं है तो डेटा फिलहाल ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, इधर पे हम लोग देख पाएंगे ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ये जो कुछ भी ट्रैफिक है इसका अभी चल रहा है ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास इसके है। तो ये जो है ट्रैफिक ये कैसे आ रहा है, तो पेड ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए ये जो है नीला कलर का जो चीज़ें हैं फॉर पेड ट्रैफिक ऑलमोस्ट ऑरेंज का लाइन है, लेकिन पेड ट्रैफिक नहीं है तो ऑरेंज का ग्राफ नहीं आ रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ऑल टाइम के ऊपर क्लिक करना तो पूरा शुरू से अभी तक ट्रैफिक का पूरा डेटा का ग्राफ आपके सामने आ जाएगा। 2012 में ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास ट्रैफिक था, फ्रॉम जनवरी 2017 से लेके 15 से लेके उसका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर गया है, एंड देन पीक आया था 2021 में लॉकडाउन के दौरान 5 मिलियन, देन थोड़ा सा डाउन होके एंड अभी स्टेबलाइज्ड है ऑन अराउंड 1 मिलियन के आसपास, ठीक है। एंड आप देख सकते हो 2 ईयर्स, 1 ईयर, 6 मंथ्स, 1 मंथ, हर एक मंथ का एग्जैक्ट डेटा फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हो डेटा के साथ, आपके सामने सारा कुछ है। एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करोगे इसका पूरा डिटेल एक्सपोर्ट होके आ जाएगा बिल्कुल सेम ऐसा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, इसका जो कंपेयर कैसे कर सकते हो, ट्रैफिक का कंपेयर आप इधर से कर सकते हो, ठीक है। एंड एक सर्च रिजल्ट, मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज, अगर आप कोई सभी चीज़ को गूगल पे ऑन करते हो, मतलब गूगल पे डालते हो या सर्च करते हो, तो उस वेबसाइट का पर्टिकुलर कैसा इंप्रेशंस वगैरह है उसका डेटा आपके सामने है। सबसे पहले फीचर स्निपेट, मतलब छोटा सा जो फीचर स्निपेट आता है उसके लिए अभी कोई सभी ये रैंक नहीं हो रहा है। साइट लिंक, मतलब टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन के ज़रिए आपका डायरेक्ट हेडलाइंस, सब हेडिंग्स रैंक होता है, तो उससे भी बहुत ही कम ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, 0.28%। देन AI ओवरव्यू, जो
AI ओवरव्यू है गूगल का, उधर से ऑलमोस्ट 3.9% ट्रैफिक आ रहा है। एंड ये जो फीचर स्निपिट था वो चेंज होकर अभी AI ओवरव्यू के अंदर आ चुका है, हम लोग समझ पा रहे हैं। रिव्यूज़ के अंदर भी कुछ भी ट्रैफिक नहीं आ रहा है, इमेज से ट्रैफिक लेके आ रहा है बहुत भारी मात्रा पे, देन वीडियोस, देन फीचर्स वीडियो, देन पीपल ऑल्सो आग से ट्रैफिक लेके आ रहा है, देन इधर पे है लोकल पैक, देन एडुकेशन नॉलेज पैनल, देन लिस्ट टॉप स्टोरीज से ट्रैफिक लेके आ रहा है बहुत सारा, ठीक है। देन ट्विटर शायद, एंड देन इधर पे इमेज पैक्स, मतलब इमेज से ट्रैफिक लेके आ रहा है। एंड इधर पे आप देख पाओगे टॉप 3 कीवर्ड्स, टॉप 4 to 10, एंड इस तरीके से सिर्फ का डेटा वगैरह इधर पे देख पाओगे, ठीक है। मोटा मोटी डिटेल पे जाएंगे तो और भी डिटेल में हम लोग नेक्स्ट हर एक सेक्शन के अंदर बात करेंगे, तभी इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो आप मोटा मोटी समझ लो चीज़ों को, कैसे डोमेन ओवरव्यू का सेक्शन को आपको देखना होगा, एंड इम्पॉर्टेंटली डोमेन ओवरव्यू का सेक्शन ही आपके लिए सब कुछ होगा, इसके अंदर ही सब कुछ होता है। देन ऑर्गेनिक रिसर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर क्लिक करना तो ये चीज़ें आ जाएगा। तो बेसिकली ऑर्गेनिक रिसर्च मतलब इंडिया के अंदर, हम लोग इंडिया को सिलेक्ट किए थे तो इंडिया के अंदर कीवर्ड्स ए है, उसका इंटर नेविगेशनल है, पोजिशन से, वॉल्यूम से, सीपीसी है, ट्राफिक है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस कीवर्ड के अंदर इसका रैंकिंग क्या है, एंड इसके ऊपर नीचे कौन सा वेबसाइट आ रहा है, इसका पॉपुलर क्वेश्चंस क्या आप कवर कर सकते हो, ट्रेंड क्या चल रहा है, वॉल्यूम क्या चल रहा है, लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या हो सकता है, कीवर्ड डिफिकल्टी सार्प कौन सा के चीज़ों के अंदर, रिव्यूज़ के अंदर या वीडियोज़ के अंदर, एंड साइट लिंक के अंदर ये रैंक हो सकता था, इंटेंट आ रहा है, एंड बाकी कंट्री का जितना भी ट्रैफिक का वॉल्यूम है वो भी आ रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आप लाइव डिटेक्ट एक क्लिक के जरिए साइट पे ही देख पाओगे हर एक कीवर्ड का डेटा, बहुत ही अमेजिंग टूल है। एंड ये टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड क्लिक करोगे तो डिटेल लिस्ट ओपन होकर आ जाएगा एक दूसरा सेक्शन के ऊपर, देन साइट पे ऑर्गेनिक पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऑर्गेनिकली ये कितना पोजीशन होल्ड कर रहा है उसी का सार्प का डेटा कीवर्ड के अनुसार ये सामने ग्राफ के जरिए आ रहा है, सेम चीज़ ग्राफ के जरिए आपके सामने आ रहा है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देन कीवर्ड बाय इंटेंट, तो इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल एंड ट्रांजेक्शनल्स, तो ऑलमोस्ट वेबसाइट का मैक्सिमम ट्रैफिक आ रहा है इंफॉर्मेशन से, देन नेविगेशनल से, देन कमर्शियल, देन ट्रांजेक्शनल। एंड ब्रांडेड ट्रैफिक मतलब वेबसाइट का नाम देके अगर कोई सर्च करता है तो उसका क्या परसेंटेज है, तो ऑलमोस्ट 10% आ रहा है ब्रांडेड ट्रैफिक, यानी नॉन ब्रांडेड ट्रैफिक 90%, मतलब 90% ट्रैफिक नॉर्मल सर्च के जरिए आ रहा है वेबसाइट के अंदर, एंड बाकी 10% ट्रैफिक सर्च इंजिन जर्नल या वेबसाइट का नाम देके आ रहा है। देन आ रहा है मेन ऑर्गेनिक कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के अंदर सर्च इंजिन लैंड, बैकलिंको, मौज, एचरेप्स, एपिडेमिक साउंड भी आ रहा है, ठीक है। तो उनका कीवर्ड कितना है टोटल, एंड ऐसे कीवर्ड कितना है वो भी डेटा आ रहा है, एंड उसी का जो एक बिग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आ रहा है, एचरेप्स सबसे ज़्यादा ट्रैफिक को कवर कर रहा है, उसका सर्कल बहुत ही ज़्यादा है, एंड अकॉर्डिंगली बैकलिंको का भी है, एंड सर्च इंजन जर्नल का भी है, एचरेप्स मौज वगैरह का है, तो सारा ग्राफिकल सेम चीज़ें साइट पे आपको दिख रहा है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जिसकी मैंने आपको पहले कहा था वेबसाइट कोई सा भी एड्स के ऊपर ट्रैफिक लेके नहीं आ रहा एड्स के जरिए, तो फॉर दैट एड्स का सेक्शन के अंदर आपको कोई सा भी डाटा नहीं दिख रहा होगा। तो अगर आप ऐसा वेबसाइट को डालते हैं जिसका अंदर एड्स लोग चला रहे हैं ट्रैफिक लाने के लिए, तो उसका डेटा इधर पर शो हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। उसको क्या शो होगा, क्या शो हो जाएगा, टॉप पेड कीवर्ड्स, पेड पोजीशंस, मेन पेड कंप्यूटर्स, पोजीशनिंग मैप एंड सैम्पल टेक्स्ट एड्स, सब कुछ। ये बहुत ही एक खतरनाक चीज़ है, सेक्शन से ये जब आएगा आप देख लेना, बहुत ही अमेजिंग डेटा देता है। देन बैकलिंक्स, कौन कौन से चीज़ों से मतलब वेबसाइट से बैकलिंक ले रहा है, एंड उनका एंकर टेक्स्ट क्या है, मतलब कौन सा कीवर्ड के ऊपर या कौन सा टेक्स्ट के ऊपर ये लिंकिंग किया गया है उसी का साइट पे आ रहा है, ठीक है। देन आप देख पाओगे कि हाउ टू समथिंग, हाउ टू डू एसईओ, एंड इसके ऊपर ये पेज लिंक हो रहा है, तो ऐसा, ठीक है। देन साइट पे फॉलो वर्सेस नो फॉलो, तो बैकलिंक के अंदर डू फॉलो कर रहा है कितना, 8.2 मिलियन, एंड नो फॉलो 2.23 मिलियन, एंड उसके अंदर बैकलिंक टाइप कैसा है, टेक्स्ट में इतना कुछ है, इमेज के फॉर्मेट में इतना, फॉर्म फ्रेम डेटा आपके सामने आ चुका है, ठीक है। आप क्लिक करोगे तो हर एक सेक्शन को लेके इधर पे ये साइट वाला जो भी ऑप्शन था ना पहले, उसके अंदर ये लेके आपको जाएगा, एंड आप डीपली उसके अंदर जा सकते हो। एक डोमेन ओवरव्यू का हम लोग बात कर रहे हैं, इसके अंदर आपको मोटा मोटी सारा कुछ मिल जाएगा। देन ये एंकर टेक्स्ट जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर टॉप एंकर टेक्स्ट क्या चीज़ है जिसके अंदर, जिसके जरिए आपका ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है वही शो हो रहा है, एंड
रेफरल डोमेन्स भी शो हो रहा है, नीचे इंडेक्स पेजेस आ रहा है। हालांकि इंडेक्स पेजेस उतना ज़रूरी नहीं होता है, हर एक बड़ा वेबसाइट का इंडेक्स हो जाता है वेबसाइट पेजेस। तो यही कुछ था मोटा मोटी डोमेन ओवरव्यू सेक्शन के अंदर। तो अगर आप डोमेन ओवरव्यू को सही से कर लेते हो, जान लेते हो, सीख लेते हो इसको, तो बेसिकली आप किसी को वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट को इधर पे डालने के बाद ही मोटा मोटी आइडिया ले पाओगे कि इस वेबसाइट से आपको पिकअप करना होगा कीवर्ड या नहीं। तो हम लोग आगे आते जाएंगे, हर एक सेक्शन के ऊपर बात करेंगे कि कीवर्ड कैसे पिकअप करें, कंप्यूटर कैसे फाइंड आउट करें, लॉन्ग टेल कीवर्ड, पोटेंशियल कीवर्ड, लो हैंगिंग फ्रूट्स कैसे फाइंड आउट करें, पिकअप करें, सब कुछ हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। मोटा मोटी आज के इस वीडियो के ज़रिए आपको मोटा मोटी होपफुली क्लियर हो चुका है कि कौन सा सेक्शन कौन काम करता है। एंड जैसे आप जो आपका अर्निंग है वो आप USD INR या बाकी कंट्री के लिए सिलेक्ट कर सकते हो, डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी कर सकते हो, इधर पे सेंड फीडबैक भी दे सकते हो, एंड इधर पे रूट डोमेन देख सकते हो या एग्जैक्ट URL दे सकते हो, सब डोमेन, सब फोल्डर, सब कुछ इधर पे आप दे सकते हो, ठीक। तो आप दे के देखना, सेमी डेटा आएगा। सब डोमेन मतलब आपको पता ही होगा, tech.shubhadeepmondol.com, रूट डोमेन मतलब shubhadeepmondol.com, एग्जैक्ट URL मतलब पूरा URL www. मतलब वही रूट डोमेन एग्जैक्ट URL ऑलमोस्ट सेम ही होता है। सब फोल्डर मतलब जो अगर आपके सामने रहता है shubhadeepmondol.com/tech, यानी उसे कहते हैं क्या, हम लोग सब फोल्डर ही कहते हैं, ठीक है। तो वही, तो आप उसको देख के सर्च कर सकते हो। तो बेसिकली यही था मोटा मोटी। तो होपफुली आपके सामने क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड क्लियर ओवरव्यू आया है सेमरश का, जो बेसिक मेन डोमेन ओवरव्यू सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रैफिक एनालिसिस, देन ऑर्गेनिक कीवर्ड रिसर्च, नीचे नीचे आते जाएंगे धीरे धीरे। एंड आपको इस तरीके से सिंप्लीफाइड डोमेन सीखना होगा तो क्या करना होगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसके अंदर हम लोग ब्लॉगिंग, SEO एंड मार्केटिंग तीनों चीज़ों के ऊपर डीपली डिटेल पे वीडियो ले रहे हैं, वीडियो लेकर आ रहे हैं फॉर बिगिनर्स, एक्सपर्ट एंड एडवांस, हर टाइप के लोगों के लिए। तो मस्टली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्वेश्चन से आस्क करिए, उसी का भी सॉल्यूशंस लेके आ जाऊंगा, नो टेंशन। एंड अगर आपको सेमेस्टर लेना होगा तो नीचे आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा, उसको आप देखें, उससे आप परचेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू।